की एटीट्यूड। देख लो, दिख जाओ इधर, से हाय। आज जो 19 तारीख है कैलेंडर डे, बट मेनली ये हम जिस दिन दुबई आए हैं वही कंटिन्यू हो रहा है। और हम लोग अभी जा रहे हैं बुर्ज खलीफा टू हैव एन अमेजिंग सनराइज, जो उनके ऑब्जर्वेशन डेक से अपने को देखने को मिलेगा। हमारा अराइवल एस्टिमेटेड 5 to 5:30 के बीच का है। आज के डेट में हमारा दुबई म्यूज़ियम का भी टारगेट था, बट दुबई म्यूज़ियम का अपने को फ्यूचर म्यूज़ियम का टिकट नहीं मिला, तो उसकी वजह से वो प्लान ड्रॉप हो गया। अभी वो वाला जो टाइमिंग है वो तो अपने पास खाली है, तो शायद मैं वापस आ जाऊँ और थोड़ी देर आराम कर लूँ। तो अभी के लिए जस्ट show you some views और मिलते हैं सीधा बुर्ज खलीफा में। लेफ्ट साइड में आपको थोड़ी दूर ये चौंकता चौंकता सबसे ऊंचा बिल्डिंग दिख रहा होगा, वही था बुर्ज खलीफा। और हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग इतने पास आ चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग उतर चुके थे, और क्योंकि हमें थोड़ा सा लेट हो गया था तो जल्दी जल्दी से जा रहे थे, और यहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाया था। तो ये है वो एंट्रेंस, बेसिकली ये मॉल का पार्ट है जिसके अंदर से आपको जाना होता है। Just more than towers. By a single vision that transformed this small power trading post into a global metropolis, Burj Khalifa is a monument to passion, courage, ambition, and leadership. मोटा मोटा देखिए ऐसे काम करता है। जब आप बचपन से कोई जगह आने का सोच के रखते हो और एंड में वहाँ पे आ जाते हो और आपके सामने होता है तो माइटी बुर्ज खलीफा, तो मेरा एक्सपीरियंस तो वही रहा है कि सच्ची में यकीन तो नहीं हो रहा था जब मैंने देखा है पहली बार, यकीन तो नहीं हुआ है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन डेक, ये जो इनका रास्ता है दैट इटसेल्फ इज वेरी ब्यूटीफुल। कॉफी कॉफी भाई शो यू ऐसा कुछ होता है। एंड वेल लिटरली वॉकिंग इनसाइड द बुर्ज खलीफा, यहाँ पे इसका पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि
level 160 volts tallest man-made structure. कैसे उन लोगों ने बनाया है, क्या कब क्या कंप्लीट हुआ था, एवरीथिंग दे हैव डॉक्यूमेंटेड एंड शोन. यहाँ पे उनका मॉडल वगैरह सारा कुछ रखा हुआ है, कैसे कब कब काम हुआ था, ऑल दिस जायंट स्क्रीन्स एंड ऑल एवरीथिंग इज देयर. ऑल दिस स्क्रीन्स जहाँ पे डिस्क स्क्रीन है. तो यहाँ पे आपको लाइन में लगना पड़ता था और ये वही लिफ्ट है जो दुनिया की सबसे तेज़ तरार लिफ्ट है, जो सबसे तेज़ अपने को 124th फ्लोर तक लेके जाने वाली थी. ऑब्जर्वेशन डेक से फाउंटेन शो कुछ ऐसा दिखता है. कितना अच्छा व्यू पॉइंट है और दूर हमें कुछ दिख रहा था जो दुबई का मिनी वर्ल्ड जो लोग बना रहे थे उसके जैसा लग रहा था. ओडा की तेडा मिनी वर्ल्ड जो बनाई था सिलो कोई पढ़ता ही था मिनी वर्ल्ड मैप बनाई था सिलो. इधर आवाज हो तो बेसिकली इसके ऊपर से आप चल सकते हो और आपको स्काई वॉक जैसा फील आएगा और आपको बीच बीच में ऐसा ग्लास ब्रेकिंग का साउंड और इफेक्ट दिखेगा जिसके वजह से आपको फील होगा कि आपके पैर रखते ही नीचे का कांच फट रहा है. Upgrade your experience. Onchash. तो यहाँ पे कुछ गिफ्ट आइटम्स वगैरह थे टॉप फ्लोर पे जो काफी महंगे थे और बहुत से टूरिस्ट यहाँ से खरीद भी सकते हैं, बट दैट्स टोटली अप टू यू अगर बजट में फिट हो रहा है तो.
अच्छा कुछ था बुर्ज खलीफा का व्यू बाहर से, और इसकी तो क्या ही कहने। और ये जगह एग्जिट है, और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा व्यू मिलता है ऊपर से। देखी नीचे एक गैराज था जिसमें रोल्स रॉयस खड़ी थी। المحطة القادمة هي الخليج التجاري. The next station is और यहाँ पे आज हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और जेट लैग भी हो रहा था, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि अभी थोड़ा सा जाके रेस्ट कर लेते हैं। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।